नमस्कार दोस्तों, हमारे आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए वीडियो आपके लिए खास है, जो आपको किस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नया अपडेट आया है, तो इसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, गूगल में आपको लिखना है ICDS ऑनलाइन। तो इस प्रकार से ICDS ऑनलाइन आपको लिखना है, और लिखने के बाद आपको सर्च करना है। करने के बाद आपको इस प्रकार से आंगन में क्लिक करना है, आंगन में आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो फिर से आपको इस तरह से आपको यहाँ पे पेज खुलेगी। खुलने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि बिहार के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी पहले से निबंधित लाभार्थी को कोरोना वायरस के संक्रमित देखते हुए गर्म पका भोजन ये जो THR के संतुलित राशि सीधा बैंक खाते में भुगतान। तो आप क्या करते थे कि यहाँ पे क्लिक करते थे, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फिर से पेज खुलेगी। खुलने के बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे दिखा दे कि यहाँ पे नया जो आपको फिर से अपडेट आया है, तो यहाँ पे लिखा के आया है कि मोबाइल नंबर बदले। तो आपको यहाँ पे आसानी हो गया है कि आप खोज सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था टोकन, और यहाँ पे नीचे में आपको दिखाया जा रहा है कि मोबाइल नंबर बदले। तो आपको क्या करना था कि इस पर मोबाइल नंबर परिवर्तन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आपको इस प्रकार से पेज खुल जाएगी। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस प्रकार से पेज खुल जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के निबंधित बच्चे स्तनपान कराने वाले महिलाओं का तथा गर्भवती के संबंधित में। तो इस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है क्या जो आपको आधार नंबर और उसके बाद आधार नेम आपको ईयर के अनुसार, जैसे में 1995 या 1991 भी हो सकता है, या 2000 भी हो सकता है, इस तरह से आपको ईयर में डालना है ओनली। और इसके बाद यहाँ पे जेंडर। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम आधार नंबर डालते हैं। तो सबसे पहले हम आधार नंबर डालते हैं जो लाभार्थी का हम ऑनलाइन किए थे, उसका आधार नंबर हम डाल लेते हैं। उसके बाद आधार के अनुसार हम इसमें नाम डाल लेते हैं, जो कि नाम यहाँ पे हम डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, जो आप उसका लाभार्थी का जो ऑनलाइन किए होंगे उसका डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है ईयर के अनुसार। और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो ये फीमेल है तो हम फीमेल सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद क्या करना है कि स्वीकार करें, मतलब यहाँ पे नीचे दिया गया है स्वीकार करें, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इस तरह से दबा दीजिए, और आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फिर से पेज खुलेगी, जो पहले वाले में बताया जा रहा था कि कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे दिखा दे कि यहाँ पे दिया गया है नया मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे फिर से दिया गया है नया मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ ले रहा है, तो आपको दोनों यहाँ पे नया मोबाइल नंबर जो नंबर दिए हैं वो नंबर डाल लेना है आपको। इस प्रकार से मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से बोला है कि नया मोबाइल नंबर फिर से डायल करें, मतलब जो मोबाइल नंबर ऊपर में दिए हैं उसके बाद नीचे भी सेम मोबाइल नंबर आपको देना है। तो ICDS ने आपको यहाँ पे सही किया है कि आप अगर मोबाइल नंबर खो गया है, चाहे मोबाइल नंबर पता नहीं है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि OTP यहाँ पे ICDS के तरफ से आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, इस तरह से जो दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस प्रकार से आपको OTP मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना OTP यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है कि सेवा करें। तो अगर आपको यहाँ पे OTP नहीं आ रही है, तो फिर से आप यहाँ पे रिसेंट भी मार सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिसेंट OTP, यहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर किसी के मोबाइल पे नहीं आ रहा है जल्दी, तो आपको वेट करके यहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सेवा करें, तो आपको सेवा पर क्लिक कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है योर मोबाइल नंबर इज चेंज, तो ओके कर देना है इस प्रकार से। तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर चेंज हो जाएगी।